हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद आलम, लेक्चरर ऑफ बायो सेक्शन बॉटनी, एसएमबी कायद आज़म हायर सेकेंडरी स्कूल दस्ताना शन्नो। टुडे वी डिलीवर लेक्चर अबाउट द सपोर्ट एंड ए लोकोमोशन इन प्लांट्स। टुडे we discuss on the topic, the main topic name is support in plants. Today topic is support in plants. Before this topic we discuss about the movement in plants. Now this question is very important, how does support is provided in plants, plant ke andar कैसे सपोर्ट प्रोवाइड होती है, यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं और वो हवा को और ब्रांचेस को, जो भी उसकी बॉडी है उसको कैसे मेंटेन करते हैं, उसको कैसे सपोर्ट करते हैं, प्लांट अपने आप को कैसे सपोर्ट करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आता है एनुअल एग्ज़ाम में, हाउ डज सपोर्ट इज़ प्रोवाइड टू प्लांट्स। Support is provided to plants by following way. Number one, stem. Number two, turgor pressure. And number three, support tissues. जो हम इस लेक्चर के बाद में पढ़ेंगे, what is support tissues, how many type of support tissues and a what is the function of support tissues. Now we start the stem. Stem is connect with the branches, leaves and roots. It is the upper part of soil. It is very thick and hard. What is the function of stem? The function of stem is support between several type of cell. ये plant के अंदर जो भी cells होते हैं, tissues होते हैं या branches होते हैं, उनको support करता है और erect होने में मदद करता है, help in the transport और transportation में मदद करता है। Transportation plant में जैसे कि water, minerals, जो फूड होता है ज़मीन से प्लांट के ऊपर हिस्सों तक पहुंचता है, तो इस वजह से ये स्टीम उसमें बहुत हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसका दूसरा फंक्शन है हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो प्लांट के साथ, स्टेम के साथ लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होता है, उनको सपोर्ट करता है। उसके बाद सेकंड है टर्गर प्रेशर। व्हाट इज टर्गर प्रेशर? इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। प्लांट के अंदर स्पेशली इन कार्टेक्स, पिथ, जो प्लांट के अंदर वाले हिस्से होते हैं जहाँ जाइलम फ्लोएम होता है, वहाँ रूट से पानी जब ऊपर आता है तो पिथ वाले एरिया के अंदर जमा होता है, वहाँ जाइलम और फ्लोएम होता है, तो वो पानी आकर सेल के अंदर जमा होता है, ठीक है, तो वो एक प्रेशर एग्जर्ट करता है आउटवर्ड द सेल वॉल, तो हम उसको क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। आई रिपीट अगेन, द टर्गर प्रेशर, इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कॉल्ड टर्गर प्रेशर। इट इज़ अकर ओनली इन प्लांट। ये सिर्फ प्लांट के ही अंदर टर्गर प्रेशर होता है। इट इज़ फंक्शन क्या है टर्गर प्रेशर का, कि टर्गर प्रेशर कीप द रिजिड एंड रेजिस्टेंस द बेंडिंग। टर्गर प्रेशर प्लांट को रिजिड करता है और रेजिस्टेंट करता है बेंडिंग होने से, यानी
फोल्ड होने से, बैंड होने से टर्गर प्रेशर क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है और इरेक्ट होने में हेल्प करता है। टर्गर प्रेशर मेंटेन द टर्जिटी इन द प्लांट, प्लांट के अंदर टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है टर्जिडिटी को। टर्जिडिटी क्या है, ये प्लांट के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल के अंदर पानी जमा होता है, वो पानी प्रेशर प्रोड्यूस करता है आउटवर्ड द सेल वॉल को, और उसके लिहाज से सेल के अंदर पानी भरा हुआ होता है और सेल को स्प्रेड होने में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्जिडिटी। टर्गर प्रेशर मेंटेन द टर्जिडिटी इन प्लांट्स। फॉर एग्जांपल, ये टर्गर प्रेशर का एग्जांपल है, ये एक सेल है, सेल के अंदर जो है ये वाटर है, वाटर भरा हुआ है। जब सेल के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो उसके अंदर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रोड्यूस होगा, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सेल वॉल को बाहर की तरफ फोर्स करेगा, सेल वॉल को बाहर की तरफ। ये जो एरो मैंने लगाए है ये आउटवर्ड सेल वॉल है, ये प्रेशर पानी का प्रेशर जो है आउटवर्ड टू सेल वॉल होगा, और इसके तहत जो सेल वॉल है वो सेल वॉल से पानी टकरा के सेल वॉल को स्प्रेड करेगा बाहर की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। ये सेल वॉल है, ये वाटर है, और सेल वॉल पुश आउटवर्ड, पानी जो सेल वॉल को है पुश कर रहा है आउटवर्ड बाहर की तरफ। सो बिकम सेल वॉल प्रॉपर एंड सपोर्ट द प्लांट, वो सेल वॉल प्लांट को सही तरीके से प्रॉपर वे से सपोर्ट करती है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ सपोर्ट टिश्यूज। नंबर थर्ड टाइप है सपोर्ट इन प्लांट में, सपोर्ट टिश्यूज। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं, प्लांट के इंटरनल ऑर्गन को, इंटरनल सेल को सपोर्ट करते हैं, फ्रूट को सपोर्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सपोर्ट टिश्यूज, कोलेनकाइमा टिश्यूज, स्केलेनकाइमा टिश्यूज। कोलेनकाइमा टिश्यूज, द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यूज, दे हैव प्रोटोप्लास्ट, लैक ऑफ सेकेंडरी वॉल्स, मोस्टली फाउंड इन ग्रुप इन सिलेंडर्स, मोस्टली फाउंड इन फोटोसिंथेटिक रीजन। इसमें प्रोटोप्लास्ट होता है और सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती हैं। ये आमतौर पे ग्रुप में पाया जाता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह, सिलेंड्रिकल टाइप की तरह, और मोस्टली प्लांट के उस हिस्सों में पाया जाता है जहां फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है। कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है, कोलेनकाइमा प्रोवाइड सपोर्ट टू यंग हर्बिशियस पार्ट ऑफ प्लांट्स, ये सपोर्ट करते हैं जो यंग हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उन प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नंबर सेकंड, स्केलेनकाइमा टिश्यूज, द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेनकाइमा इज दैट दे हैव थिक सेकेंडरी वॉल, इसमें थिक सेकेंडरी वॉल पाई जाती है, और कोलेनकाइमा में थिक सेकेंडरी वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, ये इसमें फ़र्क है कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा में। वन ऑन मेच्योरिटी देयर वॉल बिकम डेड, जब मेच्योर हो जाते हैं इसके, ये मेच्योरिटी स्टेज पे आते हैं तो इनमें जो वॉल होती है वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है, डेड हो जाती है, उनके सेल्स जो होते हैं वो डेथ हो जाते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ स्केलेनकाइमा टिश्यूज, फाइबर्स दे आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, ये बहुत बड़े होते हैं और सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं, दे मे एग्जिस्ट इन सॉलिड बंडल्स,
ये मोस्टली जो पाए जाते हैं ये बंडल्स में पाए जाते हैं, बंडल्स से विस्कुलर बंडल्स जो जाइलम है, फ्लोएम है, ये जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। और बंडल्स कैप्स और उनकी जो टिश्यूज़ की जो कैप्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं। नंबर सेकंड, स्क्लेरॉइड सेल, स्क्लेरॉइड टिश्यूज़, दे आर शॉर्ट देन फाइबर्स, ये फाइबर्स से थोड़े साइज़ में छोटे होते हैं। आर फाउंड इन द सीड कोट एंड शेल्स, ये जो फ्रूट का सीड कोट, फ्रूट या सीड का आउटर कवरिंग लेयर होता है वो उसका बना हुआ होता है, वो लेयर इस स्क्लेरॉइड के बना हुआ होता है। और शेल टाइप होता है जो प्रोटेक्ट करती है सीड की या फ्रूट की प्रोटेक्शन करती है। फंक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, स्क्लेरॉइड का मेन फंक्शन है कि ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। नंबर थ्री टाइप है स्क्लेरोकाइमा टिश्यूज का, ट्रेकिया विजल्स। ट्रेकिया और विजल्स, दे आर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बहुत बड़ी होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ज्वाइंट टू एंड टू फॉर्म लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप इन जाइलम, ये एक दूसरे से आखिरी शरीर तक जो होती हैं कनेक्ट होती हैं, आपस में मिली हुई होती हैं, जो वाटर को कंडक्ट करती हैं जाइलम में एक ट्यूब के थ्रू। तो ये प्लांट के अंदर सपोर्ट करता है वाटर को कंडक्ट करने में। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो टॉपिक होगी वो हमारी होगी सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ